नमस्कार, पेश है बिहार की बड़ी खबरें। बिहार में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 18 से 44 साल के 79,238 लोगों को पहले दिन कोरोना टीका दिया गया। टीकाकरण को लेकर रविवार को राज्य में 624 टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे। लंबे इंतजार के बाद युवाओं को टीका दिए जाने के केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्णय से लोगों में काफी उत्साह दिखा। कई लोग तो बिना रजिस्ट्रेशन कराए ही वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच गए, जबकि टीका के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन के बाद जगह, समय और तारीख का चयन करना अनिवार्य है। पटना में रविवार को 1,746 नए कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 29 लोगों की मौत हो गई। इनमें बीजेपी एमएलसी टुन्ना जी पांडे और बड़िया के राजद विधायक बच्चा पांडे के भाई धनंजय पांडे की कोरोना से मौत हो गई। वहीं जीरादेई क्षेत्र के पूर्व विधायक राघव सिंह का भी कोरोना से निधन हो गया। रविवार को पटना के 3 निजी अस्पतालों में छापेमारी की गई। हनुमान नगर स्थित बुद्धा हॉस्पिटल पर एक मरीज से एक बेड के लिए 50,000 रुपए लेने के मामले में प्राथमिकता दर्ज की गई है। इधर बाईपास के 2 निजी अस्पतालों को प्रशासन ने नोटिस जारी कर पूछा है कि कोविड-19 की सूची में जब उनका नाम नहीं है तो कैसे उपचार कर रहे थे। पटना में कोरोना वायरस का प्रकोप धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि पिछले 3 दिनों में संक्रमण की दर काफी कम हुई है। दूसरी लहर में जिले में 26 अप्रैल को सबसे ज्यादा संक्रमण दर थी, तब संक्रमण की दर 39.5% तक पहुंच गई थी। यही वो समय था जब पटना के अस्पतालों में बेड के लिए मारामारी मची थी। 6 मई को ये दर घटकर 11.4% रह गई है। सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना योद्धाओं और सामाजिक संगठनों को उनके साहसिक कार्य के लिए ट्वीट कर सभी को आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना के संकट काल में सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। इस आपदा से निपटने में बेहद धैर्य, अनुशासन व हिम्मत के साथ काम करने वाले चिकित्सकों, नर्सों, सफाई कर्मों, प्रशासन और पुलिस के लोगों सहित सभी कोरोना योद्धाओं को हम पूरे बिहार परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। आपदा में अनेक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिगण मानवता की सेवा कर रहे हैं। युवा साथी जनता की सेवा में विशेष रूप से सक्रिय हैं और सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रयोग कर रहे हैं, जो सराहनीय है। ऐसे सभी लोगों को हम बिहार परिवार की तरफ से धन्यवाद देते हैं। मुजफ्फरपुर के झपहा स्थित सीआरपीएफ में तैनात रेंज डीआईजी सुरेंद्र प्रसाद को मुजफ्फरपुर से हटा दिया गया है। उन्हें पटना सेक्टर कार्यालय से अटैच किया गया है। रेंज डीआईजी पर मुजफ्फरपुर जीसी स्थित कंपोजिट अस्पताल की महिला चिकित्सक के साथ मोबाइल पर बदतमीजी और उनके क्वार्टर में देर रात घुसने का आरोप है। सीआरपीएफ ने इसकी जांच शुरू कर दी है। बिहार के नरकटियागंज में एम्बुलेंस की गैर मौजूदगी में एक मरीज को ठेले की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। बकौल परिवार, कंट्रोल रूम ने 30 मिनट से पहले एम्बुलेंस भेजने में असमर्थता जताई थी। वहीं घटना पर नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर लाल बाबू ने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ, आप तो देश की हालत जानते ही हैं। बिहार के कटिहार जिले में शुक्रवार की शाम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कटिहार पूर्णिया सड़क पर स्थित भसना चौक के पास एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति के डेड बॉडी को आपत्तिजनक स्थिति में फेंकने का वीडियो वायरल हुआ है। करीब 1:19 के इस वीडियो में दिखाया गया है कि बिना पीपीई किट पहने हुए कुछ व्यक्ति एक लाश को एम्बुलेंस से नीचे उतारते हैं और नदी में फेंक देते हैं। वीडियो में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, इससे लगता है कि स्थानीय लोगों ने ही इस आपत्तिजनक हालत में लाश को फेंकने की प्रक्रिया का वीडियो बनाया है। कंकड़बाग में छापेमारी के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन की पकड़ी गई कालाबाजारी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। ईओ की छापेमारी के बाद ड्रग इंस्पेक्टर राजीव राज की ओर से कंकड़बाग थाने में 5 आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। रविवार को इनमें 3 आरोपितों नीतीश कुमार, अमित कुमार व भास्कर पाठक को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। यहां से तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फरार आरोपितों की तलाश में पुलिस उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। कोरोना काल में अमनौर सामुदायिक केंद्र परिसर में रखी दर्जनों एम्बुलेंस के साथ जाप सुप्रीमो सह पूर्व सांसद पप्पू यादव द्वारा कथित छेड़छाड़, तोड़फोड़, फिरौती मांगने व विरोध करने पर जान से मारने की धमकी व संयोजक के साथ बदसलूकी मामले में दर्ज केस की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच का जिम्मा थाने के ASI राम पदारथ पंडित को दिया गया है। ये जानकारी थाना अध्यक्ष सुजीत कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि घटना की तहकीकात जारी है, ऐसे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जूरन छापरा के एक नामी अस्पताल में रविवार को हुई प्रशासनिक छापेमारी में व्यवस्था की सारी पोल खुल गई। छापेमारी में पाया गया कि अस्पताल के कोविड वार्ड में मरीज लावारिस हालत में पड़े थे और वार्ड में न तो डॉक्टर थे और न ही असिस्टेंट। एम्बुलेंस की रेट लिस्ट तक नहीं थी।
पूछने पर चालकों ने मनमाना किराया तक छापेमारी दल को बताया। निजी अस्पतालों को कोरोना की सरकारी किट बेचने में सकरा पुलिस ने 5 स्वास्थ्य कर्मियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुजफ्फरपुर जिले के सकरा के सुस्ता मारकन गांव व शहर में सदर अस्पताल समेत कई जगहों पर शनिवार देर छापा मारा। छापेमारी के दौरान 4000 एंटीजन किट समेत भारी मात्रा में पीपीई किट, ग्लव्स, सैनिटाइजर सहित अन्य जरूरी सामग्री जब्त की। बिहार के सारण जिले के बनियापुर थाना क्षेत्र के मजवलिया नहर के किनारे दो अधेड़ व्यक्तियों की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। नहर के किनारे स्थित सुनसान गंडक प्रोजेक्ट के जर्जर भवन से खून से लथपथ दोनों शवों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मृतकों में एक चाय दुकानदार और दूसरा छाता की मरम्मत करने वाला बताया जाता है। पटना के सर्राफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले बदलाव आया है। आज यहां 24 कैरेट सोने की कीमत 48,840 रुपए प्रति 10 ग्राम है तो 22 कैरेट सोने का भाव 44,770 रुपए प्रति 10 ग्राम है। कल की तुलना में सोना आज 150 रुपए अधिक रहा। इसी तरह की अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया लाइव न्यूज़।